पैन इंडिया यानी कि ऐसी फिल्में जो पूरी इंडिया में एक साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी भाषा में रिलीज होगा। और जहाँ पर थलपति विजय से शुरू करके धनुष राजा का फिल्म डायरेक्ट हिंदी में देखने को मिल जाएगा, यानी कि हिंदी डब्ड के लिए कई साल से इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस लिस्ट पर ऐसे कौन से अपकमिंग तमिल पैन इंडियन फिल्म शामिल है जानने के लिए शोसन तक ये वीडियो जरूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर 1, कोबरा। ये अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर जिया विक्रम, श्रीनिधि शेट्टी और इरफान पठान को लीड रोल में नजर आएंगे। और इसमें विक्रम ने प्ले करने वाले हैं एक जीनियस मैथमेटिशियन का रोल, जिन्होंने मैथ को यूज करके क्राइम करते हैं। और अतः दोस्तों, ये बिग बजट वाला फिल्म है जहाँ पर विक्रम का टोटल 7 डिफरेंट एक्टर नजर आएंगे। और ये फिल्म दूसरे फिल्मों से अलग और साथ में काफी हाई कॉन्सेप्ट वाला फिल्म है। कोबरा एक पैन इंडियन यानी कि ये फिल्म टोटल 5 लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी भाषा में होगा रिलीज। और अभी कोलकाता में इसका शूटिंग चल रही है। नंबर 2, मिखाइल। ये अपकमिंग एक्शन फिल्म है जहाँ पर संदीप किशन को लीड रोल में नजर आएंगे। और बता दोस्तों, इसमें मक्का सिल्वन, विजय सेतुपति का होगा एक स्पेशल अपीयरेंस। और जहाँ पर पोस्टर पे ऑलरेडी संदीप का काफी इंटरसेप्टर नजर आई है। और बता दोस्तों, इसको डायरेक्ट करी है रणजीत जयाकोदी ने। और ये फिल्म संदीप का कैरियर में पहला पैन इंडियन फिल्म होने वाले है। नंबर 3, पोन्नियिन सेल्वन। और ये अपकमिंग एपिक हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म है जहाँ पर अभी पूरे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म बन चुके हैं, जहाँ पर इस फिल्म को टोटल 2 पार्ट में बनाई जा रही है। और इसमें मल्टी टैलेंटेड कास्ट कार्थी, जय विक्रम, आश्रिया, जयम रवि और त्रिशा को लीड रोल में नजर आएंगे। और बता दोस्तों, ये पूरी इंडिया का सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है, जहाँ पर इसका बजट रखा गया है 500 करोड़। और इसके स्क्रिप्ट राइटिंग पर टोटल 5 ईयर रिसर्च की गई है। और अनडाउटली ये फिल्म हाई कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग स्टोरी और इमोशन और साथ में एक मास्टरपीस फिल्म होने वाली है और जो पूरी इंडिया का हिस्ट्री पर लिखने वाले हैं अपने नाम। और बता दोस्तों, पुण्य सलवर पार्ट 1 रिलीज होगा 2022 में। नंबर 4, आयलैंड। ये अपकमिंग साइंस फिक्शन फिल्म है और इसमें सेंसेशनल एक्टर शिवा कार्तिकेयन को लीड रोल में नजर आएंगे। इसमें यूएफओ क्रैश होने के बाद एक इनोसेंट एलियन को कैसे शिवा ने स्पेस में भेजने की कोशिश करते हुए इसमें दिखाया जाएगा। और इसमें वीएफएक्स का होगा काफी कमाल का इफेक्ट। और बता दोस्तों, जहाँ पर शिवा का इस फिल्म का शूटिंग ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुके हैं और ये फिल्म होगा शिवा का कैरियर में पहला पैन इंडियन प्रोजेक्ट। नंबर 5, बीस्ट। ये अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर इसमें थलपति विजय को लीड रोल में नजरेंगे। और इसको डेट करी है नेसल दिलीप कुमार ने। और इसमें पूजा हेगे को विजय के ऑपोजिट में रोमांस करते हुए दिखा जाएगा। और बता दोस्तों, इसमें थलपति ने प्ले करने वाले है एक कौन एजेंट का रोल। और जहाँ पर इसका फर्स्ट लुक पोस्टर को मिला है काफी पॉजिटिव रिव्यू। और बता दोस्तों, जहाँ पर बीस टीम ने पहले जॉर्जिया, इसके बाद चेन्नई और अभी दिल्ली पर 3rd शेड्यूल का शूटिंग कर रही है। और ये फिल्म अप्रैल 2022 में रिलीज होगा। और बता दोस्तों, जहाँ पर थलपति विजय का मास्टर फिल्म था एक पैन इंडियन प्रोजेक्ट और अभी बीस्ट भी होने वाले है एक अपकमिंग पैन इंडियन फिल्म। नंबर 6, RC-15। और जहाँ पर यह फिल्म है एक अपकमिंग पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म और इसमें मेगा पावर स्टार रामचरण और साथ में कॉलीवुड का नंबर 1 डायरेक्टर एस शंकर का कॉम्बो प्रोजेक्ट। और जहाँ पर इसमें राम ने प्ले करने वाले हैं एक कॉप टर्न्ड पॉलिटिशियन का रोल, जहाँ पर उन्होंने सिस्टम के अगेंस्ट में करते हैं फाइटिंग। और काफी लैविश स्किल से इस फिल्म को बनाया जाएगा। और जहाँ पर यह फिल्म होगा एक पैन इंडियन प्रोजेक्ट और जिसका बजट भी है काफी हाई और इसका बजट रखा गया है 250 करोड़। नंबर 7, धनुष राजा और शेखर का मूला प्रोजेक्ट। और ये अपकमिंग थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर धनुष को काफी थ्रिलिंग वाला एक्टर में नजर आएंगे। और बता दोस्तों, ये फिल्म तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा में होगा रिलीज और इसका शूटिंग 2022 से स्टार्ट होगा। नंबर 8, इंडियन 2। और ये अपकमिंग विजनरी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर मेगा स्टार कमाल हसन लीड रोल में नजर आएंगे। और इसमें उन्होंने प्ले करने वाले है एक चैलेंजिंग रोल। पर बता दोस्तों, जहाँ पर इसका शूटिंग को लेकर मेकर्स को कैसे डिफिकल्टी फेस करते हुए नजर आ रही है, जहाँ पर ओवर मेकअप, सेट पर एक्सीडेंट की वजह से क्रू मेंबर का डेथ, कोरोना वायरस का ब्रेकआउट और साथ में डायरेक्टर शंकर के साथ प्रोडक्शन हाउस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। और इन सभी चीजों की वजह से अब इस फिल्म का शूटिंग हो चुका है पोस्टपोन। और बता दोस्तों, जहाँ पर इसका 60% शूटिंग कम्प्लीट हुआ था। नंबर 8, बॉर्डर।
यह अपकमिंग स्पाई थ्रिलर फिल्म है जहां पर थ्रिलिंग मास्टर अरुण विजय को लीड रोल में नजर आएंगे और इसमें उन्होंने प्ले करने वाले है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का रोल और इसका स्टोरी पैट्रियोटिज्म और टेररिज्म बेस्ड स्टोरी होगा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुण विजय के ये फिल्म भी होने वाले है एक पैन इंडियन प्रोजेक्ट। नंबर 10 रॉकेट ट्रिप द नंबी इफेक्ट। ये अपकमिंग बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जहाँ पर आर माधवन को लीड रोल में नजर आएंगे और ये फॉर्मर साइंटिस्ट और एरोस्पेस इंजीनियर नाम्बी नारायण का लाइफ पर बेस्ड है जहाँ पर आर माधवन को टोटल 3 डिफरेंट एक्टर में दिखाया जाएगा और ये पैन इंडियन के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा रिलीज और इसका शूटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये रिलीज होगा 1 अप्रैल 2022 में। नंबर 11 वाल नचत हिरम। और ये अपकमिंग फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म है और जिसको डायरेक्ट करी है राम कुमार ने जिन्होंने इससे पहले मास्टरपीस फिल्म रात सेशन को कर चुके हैं डायरेक्ट। और डायरेक्टर राम का कहने के मुताबिक ये फिल्म काफ़ी यूनिक होगा और इसमें लीड कैरेक्टर भी काफ़ी यूनिक है और इसी कैरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ धनुष सर ने ही कर सकते हैं। और बता दोस्तों ये प्रोजेक्ट होगा एक पैन इंडियन फिल्म। नंबर 12 तत्वमसी। ये अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर वरलक्ष्मी शरद कुमार को लीड रोल में नजर आएंगे और ऑलरेडी जिसका कॉन्सेप्ट सेंट्रिक मोशन पोस्टर हुआ है रिवील्ड जिसको मिला है पॉजिटिव रिव्यू और वरलक्ष्मी का ये अपकमिंग फिल्म भी होगा एक पैन इंडियन प्रोजेक्ट। तो ये रहा तमिल फिल्म इंडस्ट्री का कुछ ऐसे फिल्मों के बारे में जो पूरी इंडिया में टोटल 5 लैंग्वेज में हो रही है रिलीज। दोस्तों इस लिस्ट पर कौन सी पैन इंडियन फिल्म के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा और बॉलीवुड साउथ इंडस्ट्रीज अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।